2022 तक नूतन भारत के निर्माण को लेकर कोडरमा के दो पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। संकल्प पर्व के तहत आयोजित ग्राम सभा के माध्यम से लोगों ने एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक उदीयमान राष्ट्र बनाने का प्रण लेकर अभियान की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। यह है कोडरमा के चंदवारा प्रखंड की भूंडो पंचायत और कांको पंचायत। इन पंचायतों में नए भारत के निर्माण और 2022 तक नूतन भारत को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। संकल्प पर्व के तहत कोडरमा के इन दोनों पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। ग्राम सभा के माध्यम से लोगों ने नए भारत के निर्माण के लिए शपथ ली। भारत स्वच्छता के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा और सरकार के जो विकास की योजनाएं हैं उसका लाभ हम लेते हुए अपने क्षेत्र का हम कैसे समुचित विकास करेंगे और लोगों को जन जन तक कैसे हम उसका लाभ देंगे और हमारा इस भारत सरकार की योजनाओं के साथ जन सहभागिता इन सारे लोगों का कैसे हो, इसके लिए आज विशेष ग्राम सभा के माध्यम से हम परिचर्चा करें। कोडरमा के इन दोनों पंचायतों में नए भारत के निर्माण को लेकर आयोजित परिचर्चा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों के अलावा स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी भी दिखी। इस मौके पर भुंडो पंचायत के मुखिया लालदेव साव ने बताया कि 2022 तक प्रधानमंत्री ने जिस नए भारत के निर्माण की बात कही है उसमें उनकी पंचायत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। भारत 2022 तक नूतन और नए भारत के रूप में हम लोग को संकल्प लिया गया है क्योंकि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में माना गया है। भुंडो को एक नया पंचायत के रूप में, आदर्श पंचायत के रूप में है ही, इसके आगे और बढ़ने का काम करेंगे। गौरतलब है कि 1942 से 1947 तक देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई और तब जाकर देश को फिरंगी ताकतों से आजादी मिली। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गंदगी मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, जातिवाद मुक्त और सांप्रदायिकतावाद मुक्त बनाने के लिए देश के लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के इस संकल्प पर्व में लोग न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि 2022 तक देश की उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए काम भी कर रहे हैं। कोडरमा की कोकोर भोंडो पंचायत ने जमीन स्तर पर विकास के नए आयाम गढ़ते हुए न केवल स्वच्छता, पारदर्शी प्रशासन और आम जन की समस्याओं के समाधान के मामले एक नया उदाहरण पेश किया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पुरस्कार हासिल कर पूरे प्रदेश में एक अनूठी मिसाल भी कायम की है। उम्मीद की जाती है कि ये पंचायत गाँव, गरीब और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को न केवल जमीनी स्तर पर पूरा करने में महत्वपूर्ण पंचायत साबित होगी बल्कि प्रदेश की अन्य पंचायतों को प्रेरणा देकर विकास के नए आयाम गढ़ने में एक नया संदेश भी देगी। कैमरामैन योगेश के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़।